गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के अर्ली मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बात इस वक्त की एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे। बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में कई पुराने चेहरों का टिकट काट दिया है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी, प्रयागराज से सीता बहुगुणा जोशी और बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जयपुर से रामचरण बोहरा का भी टिकट काट दिया गया है। बीजेपी से जुड़ी बड़ी अपडेट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में कई पुराने चेहरों का टिकट काट दिया। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी और बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जयपुर से रामचरण बोहरा का भी टिकट काटा गया है। सीधा यतेंद्र का रुख कर लेंगे, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। यतेंद्र, कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनका पत्ता साफ हुआ, टिकट काट दिया गया। देखिए, बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जो करीब 3 से 3.5 घंटे देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में चली थी। और उसमें कई बड़े दिग्गजों का टिकट इस बार काटा गया। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए जो बीजेपी के पास सीट रख था उसको ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया है। वहाँ जनरल वीके सिंह के टिकट की जगह वहाँ पर जो विधायक हैं अतुल गर्ग, उनको वहाँ पर गाजियाबाद से मौका दिया गया। ऐसे ही बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट सकता है। हाथरस से जो राजवीर दिलेर हैं उनका टिकट काट दिया गया है। वहाँ से जो राज्य मंत्री हैं अनूप वाल्मीकि, राजवीर दिलेर की जगह वहाँ पर उनको जगह दी गई है। ऐसी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। पीलीभीत से जतिन प्रसाद को मौका दिया गया है। ऐसी जयपुर से रामचरण बोहरा का टिकट कट गया है। और जयपुर से जो पूजा कपिल मिश्रा हैं, यानी कि महिला, एक बड़ी महिला को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर रामचरण बोहरा की जगह पूजा कपिल मिश्रा को दिया गया है। ऐसी जो राज्यवर्धन राठौड़ की वजह से जयपुर ग्रामीण जो खाली हुई थी वहाँ पर भी मौका जो राव राजेंद्र या तेज सिंह राठौड़ किसी एक को यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। वहीं सुल्तानपुर से मेनका गांधी को फिर से उतारा गया है और संबलपुर से यतेंद्र बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, जल्द लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट से हमारे दर्शकों को रूबरू कराते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बीजेपी की अहम खबर है। देर शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों पर चर्चा हुई है। 3 घंटों से ज्यादा चली बैठक में इन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद सीट, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद जिलों की सीटें शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी ये बताती है यतेंद्र कि कैंडिडेचर के चुनाव को लेकर कितनी सीरियस है बीजेपी। देखिए, बिल्कुल, कैंडिडेट हर सीट पर फूक फूक कर कदम बीजेपी रख रही है, क्योंकि जो नारा दिया गया है 400 पार और बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती। और जहां भी एनडीए इनकम्बेंसी है, जहां भी फीडबैक के आधार पर उम्मीदवार खड़ा नहीं उतर रहा है, वहां उसके टिकट काटने से बीजेपी नहीं चूक रही है। वहां पर तुरंत उम्मीदवार बदलने का काम कर रही है। इसी वजह जो हम लिस्ट बता रहे हैं उसमें उड़ीसा की बात करें तो संभल से धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से संबित पात्रा और भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को मौका दिया जा सकता है। जो प्रताप सारंगी जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं उड़ीसा से, उनका टिकट यहाँ पर कट सकता है। ऐसे ही अलीगढ़ से सतीश गौतम हैं, उनको फिर से एक बार मौका दिया जा सकता है। बदायूं से जो संगप्रिया हैं, उन जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी थी, उनका टिकट वहां से कट सकता है और उनकी जगह पर किसी चाक्य को वहां पर मौका दिया जा सकता है। ऐसे ही सहारनपुर से राघव लगनपाल को मौका दिया जा सकता है। ऐसे तमाम नाम हैं जो बीजेपी के फीडबैक पर खड़े नहीं उतरे, उनका टिकट काटकर नए चेहरों को बड़े उसमें मौका दिया जा सकता है। ऐसे ही निहाल चंद जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं गंगानगर से, बीजेपी के 3 बार के सांसद है, उनको भी वहां से मौका, पुराने चेहरों को हटाया गया है और उन चेहरों पर दाम लगाया जाएगा जो कि जिताऊ कैंडिडेट्स हुआ। खासकर एंटी इनकम्बेंसी का खासा ख्याल रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र।